हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये है आपकी क्लास एट का सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर एट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, तो हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ द सेल। ओके, तो ये है आपका फिफ्थ वीडियो इस चैप्टर का। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो बच्चों, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझाया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म? तो जब आप अनियन सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो आपको सेल के अंदर कुछ खाली स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है, जिनमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, जिसके अंदर इस तरह से खाली स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इन्हें हम कहते हैं वैक्यूल। ओके, और वैक्यूल को हिंदी में भी बेटा खाली बोलते हैं, जो चीज़ खाली हो, ठीक है, उसमें कुछ भी ना हो। तो ये जो वैक्यूल हैं, कुछ बहुत छोटे भी हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े भी हो सकते हैं, किसी सेल में एक वैक्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चीक सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वहीं प्लांट सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और अगर एनिमल्स की बात करें हम, तो एनिमल सेल्स में बहुत छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको ये दिखेंगे वैक्यूल, ये देखिए, इतना बड़ा वैक्यूल आपको प्लांट सेल में दिखेगा, वहीं एनिमल सेल में आपको ये छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैक्यूल के अलावा बेटा, आपको छोटे छोटे स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ दिखेंगी साइटोप्लाज्म में, ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडेस्केंडिया लीफ। ट्रेडेस्केंडिया लीफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके सेल में, साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी बॉडीज़ आपको दिखाई देंगी, कलर्ड बॉडीज़ होंगी ये, ठीक है, डिफरेंट कलर्स में। इन्हें हम कहते हैं प्लास्टिड्स। ओके, तो कुछ प्लास्टिड्स के ग्रीन कलर भी होते हैं, और जिस भी प्लास्टिड्स में ग्रीन कलर होते हैं, मतलब उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल से याद आया आपको, ये वही क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है प्लांट्स की। ओके, समझ में आया बच्चों? तो छोटे छोटे पार्ट्स स्कैटर होते हैं लीफ के सेल में, जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये, लेकिन ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और यही प्लास्टिड्स ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को। ओके, यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान रखिए, प्लास्टिड दो तरह का काम करते हैं, एक तो उनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं प्रोसेस में। दूसरा, ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं, हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, जो कि लीव्स को उनका ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ा ही होगा आपने कि क्लोरोफिल जो है किस लिए ज़रूरी होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है कि क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम कंपेयर करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को, जो कि यहाँ पर हम एक फिगर के थ्रू कंपेयर करेंगे। थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पर नहीं है, आपको डायग्राम के थ्रू कंपेयर करना है इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, दोनों में है, लेकिन सेल वॉल प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है, ध्यान रखिएगा ये बच्चों, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में है, ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होंगे बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वैक्यूल दोनों में होते हैं और न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होते हैं और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है। ओके, तो ये वाला चैप्टर हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं बेटा। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।